वहीं राहुल गांधी ने अजमेर में भी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता पर दो तरह से वार किया, पहली नोटबंदी और दूसरा गब्बर सिंह टैक्स यानी GST लगा दी। इससे आम आदमी परेशान हुआ और छोटे छोटे लघु उद्योग धंधे सब बंद हो गए, क्योंकि जब गरीब मजदूर के पास पैसा नहीं रहा तो उसकी खरीदारी की पावर कम हो गई, जिससे दुकानें बंद हो गई, दुकानें बंद हुई तो फैक्ट्रियां भी बंद हो गई। लेकिन हम न्याय योजना के माध्यम से जिन परिवारों की आय 12,000 रुपये मासिक से कम है उन्हें हर महीने 6,000 रुपये सीधे उनके खाते में जमा करवाएंगे, जिससे वे उन्हें तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही छोटे दुकानदारों को भी इसका लाभ मिल पाएगा और इनसे फिर से छोटे उद्योग शुरू हो सकेंगे। उन्होंने जनता से पूछा कि बड़े उद्योगपतियों की जेब में पैसा निकालूंगा और आप लोगों को दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी की तरह 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा करने की बात नहीं करता। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि आज मोदी की गलत नीतियों की वजह से देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें। इससे पूर्व सचिन पायलट ने भी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। यहां कांग्रेस से रिजू झुंझुनवाला के लिए सभी ने वोट मांगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी मंच का संचालन किया। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी देखिए 5 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और शुरुआत में ही उन्होंने आपसे कहा था मुझे प्रधानमंत्री बना दो, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। कहा था नहीं कहा था भैया, सुनाई नहीं दिया? कहा था नहीं कहा था? कहा था। अब मुझे बताओ माता बहने आपके बैंक अकाउंट में आया 15 लाख? अरे भाई किसी के बैंक अकाउंट में तो आया होगा, कोई एक है यहां पे? नहीं है ना? ठीक है, तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को थिंक टैंक को बुलाया, कहा जरा बैठिए मुझसे पूछते हैं क्या बात है। मैंने कहा देखिए नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला 15 लाख का और हिंदुस्तान ने सुना। अब मैं ये समझना चाहता हूं 15 लाख झूठ का सच्चाई क्या है। चुनाव के अंदर जो माहौल बनाया है राहुल जी ने, आप सबको मालूम है किस रूप में शुरुआत करी उन्होंने, एजेंडा बेस कैसे लोकतंत्र में हम लोग चुनाव मैदान उतरे, जनता क्या चाहती है, क्या उनकी समस्याएं हैं उस पर चर्चा करें, सब पार्टी अपनी अपनी बात कहें। राहुल जी कहते हैं कि घृणा की नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्यार से भाईचारे राजनीति हो, पर दुर्भाग्य से मोदी जी नहीं चाहते, मोदी जी नहीं चाहते इश्यू बेस मुद्दा आधारित राजनीति वो चाहते नहीं है, इसलिए पूरे देश में माहौल ऐसा बना दिया है। 70 साल में कांग्रेस ने जिसको मजबूती प्रदान करी, ये जो लोकतंत्र दिया आपको, ये महात्मा गांधी के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, तो 70 साल से ये व्यवस्था आज कायम है। लोकसभा के चुनावों के लिए देश भर में राहुल जी प्रचार कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज राजस्थान के 3 इलाकों में आप संबोधन करने के लिए आए हैं। अभी जालौर में भाषण दिया, अभी आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद कोटा में हमारी सभा है। राजस्थान के अंदर आपके आशीर्वाद से 3 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद कोई भी निर्वाचित सरकार जो कर सकती है उससे ज्यादा काम करने की कोशिश हमारी सरकार ने करी है। 18,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा करी है कमर्शियल बैंक्स के साथ। चुनाव आचार संहिता के बाद तुरंत उस पर कार्रवाई होगी ऋण की। हमारी पेंशन हों,